देखिए तेरा मुकद्दसा चौधरी ने बेहतरीन किस्म की बिरयानी तैयार कर दी है। मुकद्दसा बेगू के नहीं, मुकद्दसा अहमद, मुकद्दसा अहमद बेगू। किचन व्यूअर्स, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी भतीजी बना रही है, मुकद्दसा अहमद। ये जो रेसिपी आपके साथ शेयर करेगी ये मुकद्दसा करेगी और ये बना रही है चिकन बिरयानी स्टूडेंट स्टाइल में। कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा, उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बिरयानी बनाने के लिए हम लोग इसमें कौरमा बनाएंगे। इसका घी जाएगा इसके अंदर 1 कप। घी मैंने कढ़ाई में डलवाया था मुकद्दसा से, मुकद्दसा ने घी कढ़ाई में डाल दी है और ये मेल्ट हो रहा है। मुकद्दसा ने घी मेल्ट करने के लिए रख दिया, फ्लेम इसका स्लो है, अभी इस फ्लेम को हाई नहीं किया। मुकद्दसा बहुत अच्छे खाने बनाती है और आज इसने शेयर किया मेरे साथ बिरयानी की रेसिपी और इसने आज बहुत अच्छी और मज़े की रेसिपी बनाई है। तो जो जो रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स किए और जिन स्टेप्स को फॉलो किया है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो यकीन जाने आप भी बहुत अच्छी बिरयानी बना सकेंगे, स्टूडेंट बिरयानी। और ये स्टूडेंट बिरयानी हर स्टूडेंट को ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। घी मेल्ट हो गया और यहाँ पर मुकद्दसा ने यूज़ किए 1/2 kg के करीब टमाटर। टमाटरों के इसने स्लाइस कटिंग भी कर सकते हैं, क्यूब्स भी, और इसने चॉप रफली चॉप कर लिए हैं। तो इसने घी के अंदर ये टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर रही है ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं। और इन टमाटरों को गलाने के लिए मुकद्दसा ने क्या किया है कि इसको कवर कर दिए, कवर करेगी, कवर करके तो फिर ये क्या करेगी, बता रही है कि कवर करने से इसके अंदर स्टीम पैदा होगी और टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे, मैश हो जाएंगे। तो देन इसमें वो बताएगी कि नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है। जब बच्चियां नए नए खाने बनाना सीखती हैं और इस तरह के काम कर रही होती हैं तो उसमें इन लोगों का ये हो रहा होता है कि कुछ एक्सपीरियंस की कमी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उनको मौका देते हैं और बताते हैं और सिखाते हैं तो वो बहुत अच्छा खाना बनाने लगती हैं। और इसी तरीके से मुकद्दसा ने बहुत अच्छी तरीके से बिरयानी बनाई है। तो आप लोगों को बताते चलूँ कि इसने अभी थोड़ा सा फ्लेम हाई की है और फ्लेम हाई करने के बाद और उसको मज़ीद आप देख रहे हैं कि इसको मिक्स कर रही है। आप लोग चाहें तो इसको ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, किसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, या आप डिपेंड करते हैं। लेकिन हम चूंकि इसकी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो जिन स्टेप को वो बता रही है जैसे कर रही है तो आप भी वैसे कीजिएगा। कवर करने के बाद क्या हुआ कि वो अच्छे तरीके से नरम पड़ गए हैं, गल गए हैं और ये देख रहे हैं आप कि ये नरम हो चुके हैं, मेरा छिलका अलग हो रहा है और ये मिक्स कर रहे हैं और इसमें जितना पानी था वो ड्राई हो चुका हुआ है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अगर थोड़े से उसके चंक्स रह भी गए तो उसको भी वो मिक्स कर रही है, उसको भी मैश करने की कोशिश कर रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब इसने क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, यानी कि 1 टेबल स्पून जिंजर और 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट उसने इन टमाटरों के अंदर ऐड कर दिए। आप लोग ये सोच रहे होंगे ये जो इसके स्टेप है बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए तो बता रही है स्टूडेंट बिरयानी है, एक स्टूडेंट ने बनाई है क्योंकि वो एक स्टूडेंट है और ये बहुत अच्छी कुकिंग करती है और ये बड़े मज़े की बनी थी बिरयानी, तो इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब इसने ये इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद
इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो होगा चिकन। अब हम लोग इसमें चिकन, मैं इसमें यूज़ करूँगी तकरीबन 1200 ग्राम, यानी कि 1.25 किलो के करीब होगी मुर्गी। 1200 ग्राम के करीब हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे, अच्छी तरीके से वॉश किया हुआ चिकन हो। तो इसमें इन्होंने चिकन ऐड कर दिया 1200 ग्राम, और ये देख रहे हैं कि जैसे आप लोग बिरयानी बनाती हैं उससे थोड़ी सी हटके है, बल्कि थोड़ी सी नहीं टोटली हटके है, क्योंकि आप लोग इस तरीके से नहीं बनाते हैं। आप लोग पहले फ्राई करते हैं प्याज वगैरह, फिर दूसरी चीज़ें को ऐड करते हैं उसके अंदर, लेकिन इन्होंने अपने स्टाइल में बनाई है बिरयानी। और इसको ये अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देख रहे, इसने चिकन को उस वक्त तक मिक्स करना और पकाना है जब तक ये वाइट टोन की तरफ ना चल जाए। जैसे ये वाइट टोन की तरफ चला जाएगा तो फिर उसमें ये बताएंगे कि आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है और किस तरह इनको फॉलो करना है। चावल बनाना है, बिरयानी बनाना थोड़ा ट्रिकिकल काम होता है। ये देखेंगे बता रही है कि ये वाइट टोन की तरफ चिकन जा रहा है, और मज़ीद इसको थोड़ा सा हम लोग कुक करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए सारे जो इंग्रेडिएंट्स जितने अब तक के ऐड किए हैं। और देन इसमें बताएंगे कि हम लोग ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म के ये बबल्स बन रहे हैं, और इसकी लुक कितनी यमी लग रही है। अभी इसके अंदर कोई स्पाइस वगैरह ऐड नहीं किए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तकरीबन 1/2 kg के करीब ली है ये दही। दही के अंदर इन्होंने ऐड किया है एक बिरयानी मसाले का पैकेट, और इसमें 1/2 teaspoon के करीब इन्होंने फूड कलर ऐड किया येलो, और इसमें इन्होंने कुटा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च ऐड की है 1 tablespoon कुटा हुआ ज़ीरा, और 1/2 teaspoon के बराबर 1 teaspoon के बराबर ब्लैक पेपर। बिरयानी मसाला आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, किसी भी कंपनी का। आपको पता है कि बिरयानी मसाले में सब इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, एक्स्ट्रा इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि ये अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इन्होंने ऐड की है, तो आप भी इसी तरीके से ऐड कीजिए। यहाँ पे चिकन में ये इन्होंने ऐड कर दिया है ये जो दही में मिक्स किया हुआ था बिरयानी मसाला और दही, और ये जो ज़ीरा वगैरह था इसमें ऐड करके अब ये इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। अभी से इसका कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो आप यकीन करें कि जब आप बनाएंगे तो और बना के खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का लगेगा। और इसमें कोई इतना टाइम भी नहीं लगता, झटपट बनने वाली बिरयानी है। स्टूडेंट बिरयानी में आप लोग आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने आलू का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने अभी सिर्फ चिकन ऐड किया। इस कंडीशन पे आप लोग आलू डाल के और इस मसाले को मिक्स करते जाएंगे, और हम इस मसाले को ये उस वक्त तक भुनेंगी जब तक ये ड्राई हो जाए और चिकन भी अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा। मकस्सा ने और बहुत सी मेरे साथ रेसिपियाँ शेयर की हैं, जैसे ही वो मेरे साथ दूसरी रेसिपी भी शेयर करेंगी वो भी ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आप बताइएगा कि इसने ये रेसिपी कैसी बनाई है। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चियां बहुत जल्दी काम नहीं करती, लेकिन इसने बहुत झटपट बनाई बिरयानी, और इसके अलावा इसको इंटरेस्ट है कुकिंग में भी, और इसके अलावा ये बुक रीडिंग भी करती हैं। और दूसरी तरफ ये बता रही हैं कि इसमें ऐड करेंगे 8 से 7 आलू बहारे और तकरीबन 2 tablespoon के बराबर इमली, और जो हरी मिर्चें और वो नींबू वगैरह थे वो थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप में। अभी इन्होंने इसमें इमली और आलू बहारे का जो था क्वांटिटी आपको बताई गई है वो ऐड कर दिया, और देखिए क्या मज़ेदार किस्म का कोरमा लग रहा है ये बिरयानी की ये जो तैयार की है। और ये देखिए बबल्स निकल रहे हैं, इसका पानी थोड़ा सा और ड्राई होना चाहिए, और ये चिकन बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है, चिकन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है। आपने इसका पानी ड्राई करना है, और फिर इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे हरी मिर्ची और ये नींबू, स्लाइस कटिंग में नींबू कर लेंगे, और ये हरी मिर्ची है 4 से 5 अदद, ये हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इन्होंने फिर इसको मिक्स किया, और ये देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त बड़ी यम्मी किस्म की खुशबू आ रही है बबल्स में। और दूसरी तरफ इन्होंने चावल बॉईल करने के लिए रखे हुए 3 लीटर के करीब पानी था, और इसमें 3 tablespoon के करीब इन्होंने नमक ऐड किया, और ये 3 tablespoon के करीब ही कुकिंग ऑयल ऐड किया।
और इन्होंने पहले से ही भिगो के रखे हुए थे चावल, चावल इन्होंने तकरीबन 40 मिनट्स पहले इन्होंने भिगो के सो करके रखे थे। इसके अंदर इन्होंने पानी के अंदर ऐड कर दिया हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, 2 से 3 अदद लौंगे, 8 से 10 काली मिर्चें, 2 तेज़पात, और इन्होंने इस तरफ इसको डन कर लिया है जो इसने कोरमा रेडी किया था। आप चाहे तो इसको मज़ीद ड्राई कर सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो उसकी रेसिपी है, उसने अपने हिसाब से जितना उसको चाहिए था मसाला उतना रखा है। इस तरफ 1 kg यानी कि 1000 ग्राम राइस को सो करके रखा हुआ था। अब ये पानी जो सा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, इसमें इन्होंने चावलों को ऐड किया ताकि चावलों को ये थोड़ा सा बॉयल करेंगे, कुक करेंगे, यानी कि 2 से 3 कनी, 2 से 3 कनी के करीब ये चावलों को पका लेंगी। देन आपको बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करना है। इन्होंने चावलों को बॉईल करके एक साइड पे रख लिया। अब इन्होंने अलग से एक पैन में जो कोरमा रेडी किया था उसमें इन्होंने मसाला और ये जो घी था वो ऐड किया है, और चिकन के कुछ पीसेस ऐड करेंगे ताकि इसकी आप लोग लेयरिंग कर सकें चावलों की, और तहेदार बिरयानी बना सकें। स्टूडेंट तहेदार बिरयानी मज़ेदार किस्म की, खुशबूदार किस्म की, और बहुत ही टेस्टी है। इसको आपने सैलड और रायते के साथ खाना है, ये बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही मज़े की बनी थी ये। और इन्होंने क्या किया, ये लेयरिंग लगानी शुरू कर दी है चावलों की। ये चावलों की लेयरिंग लग रही है, जैसे जैसे आप लोग बिरयानी बनाते हैं सिंधी बिरयानी, तय वाली बिरयानी जो सी, इसी तरीके से आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो यकीन जानिए आपकी भी जो बिरयानी है वो बहुत मज़े की बनेगी। ये लगा रही हैं यहाँ पे कोरमे की तय, ताकि ये जो तय अच्छी तरीके से मसाला बना हुआ है, ये जब आप लोग बिरयानी को दम देंगे और जब इसको मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये खुशबू भी आएगी और मिक्सिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये 4 से 5 किस्म की ये लेयर्स लग गई हैं, और उसके अंदर ये इन्होंने दही में येलो फूड कलर ऐड की है, और पानी में भी दोनों तरीके से करके हम लोग इस पर लगाएँगे और फिर दम दे देंगे 20 से 30 मिनट का। तो ये तकरीबन 3 हिस्से चावल गल चुका हुआ था और 1 हिस्सा अभी बाकी था, 1 हिस्सा जो रह गया था वो दम में इसको कुक करेंगे। जब इसके अंदर स्टीम इकट्ठी होगी और जब इसमें स्टीम इकट्ठी होगी तो जब ये जो 1 हिस्सा रह गया था चावल का वो भी इसमें कुक हो जाएगा, और ये पानी में भी मिक्स करके इन्होंने फूड कलर ऐड किया, पानी में भी कर दिया और इसमें भी। देखें अभी से कितनी खूबसूरत लग रही है, ये आप पे डिपेंड करते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसके अंदर पुदीना ऐड करना चाहें तो पुदीना ऊपर से ही डाल दें, हरी मिर्चें और मज़ीद नींबू का स्लाइस। 20 मिनट के बाद आपकी मज़ेदार किस्म की बिरयानी तैयार हो चुकी हुई है। ये देखें क्या ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आया है, धुएँ कितने उठ रहे हैं, और ये मिक्स करके हम आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। और मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह ये बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये कैसी बनी है। तो अभी हम लोग इसको डिश आउट करके दिखाते हैं, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट रेसिपी में। अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए, अगर कोई मिस्टेक्स हुई है तो कमेंट्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, खुदा हाफिज़।